नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चांद के सफर पर निकला चंद्रयान उसके बेहद ही करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान ने एक नई तस्वीर भी भेजी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लप्पू और झिंगूर पर सिनेमा सीमा सचिन की मिथिलेश भाटी की बहन से जोरदार बहस हुई है और इस बार सचिन ने भी जवाब दिया है। अब तक सचिन ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन सचिन का क्या जवाब है ये हम आपको दिखाएंगे। पूरा हिंदुस्तान आने वाले 5 दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि मिशन मून पर निकला चंद्रयान चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। अब लैंडर विक्रम की असली परीक्षा भी है। वहीं चंद्रयान 3 ने एक नई तस्वीर भी भेजी है जिसे इसरो ने जारी किया है। विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग भी आज की गई और वो चांद की निचली कक्षा में प्रवेश कर गया है। बस कुछ दिनों का इंतजार और हिंदुस्तान का चांद पर परचम लहराएगा। चंद्रयान 3 एक के बाद एक पड़ाव पार करता जा रहा है और वो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। बस अब लैंडर विक्रम का असली इम्तिहान शुरू हो जाता है। लैंडर चांद को बहुत ही नजदीक से देख रहा है। चंद्रयान 3 चांद की यात्रा पर निकला हुआ है और एक बार फिर से उसने वहां से एक तस्वीर भेजी है। चंद्रयान 3 में लगे कैमरों की तरफ से चांद की काफी करीब वाली एक पिक्चर आई है जिसे इसरो ने जारी किया। तस्वीर में चांद पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और काफी अंधेरा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि चंद्रयान 3 और कामयाबी का फासला कितना बचा है। चंद्रयान 3 की तरफ से पहले भी तस्वीरें भेजी गई थी जिनमें चांद बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा जरूर फहराएगा। चंद्रयान एक एक करके अपने पड़ाव पार करता जा रहा है। आज भी लैंडर की स्पीड को कम किया गया है और विक्रम लैंडर की डिबूस्टिंग हो गई जिससे उसने अपनी असली रफ्तार कम कर ली है और वो चांद की निचली कक्षा में प्रवेश कर गया है। 19 अगस्त को लैंडर को 100 किलोमीटर की कक्षा से 30 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा छोड़कर लैंडर चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ेगा और रात 1:45 बजे इसकी डी ऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद भी लैंडर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाएगा। 21 और 22 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडर मॉड्यूल की दिशा में चंद्रमा के 90 डिग्री में लाया जाएगा और 23 अगस्त के दिन चंद्रमा 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास में लैंडिंग की जाएगी और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी तब लैंडर की चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी। लैंडिंग के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। चंद्रमा 3 के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसरो कमांड सेंटर से नजर रखी जाएगी। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा और उसके बाद में रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन का रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी और ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर भी और भी नई जानकारी देगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात को स्पेस शिप को पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ भेजा था, जिसे विज्ञान की भाषा में ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहते हैं। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।